के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने कोविड अस्पताल में देर रात आग लग गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अस्पताल में भर्ती 76 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। अस्पताल में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार मॉल में अस्पताल देखा है, इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड पेशेंट समेत 76 पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर DCP प्रशांत कदम ने बताया कि अस्पताल में 76 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 73 मरीज कोरोना पॉजिटिव थे, 3 अन्य किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें से 30 मरीजों को आग लगने के बाद भांडुप के जम्बो अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है, जबकि 3 को फोर्टिस अस्पताल तथा अन्य बाकी बचे लोग अपनी मर्जी से अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।